सेटिंग ओके okay. तो करंट सेटिंग बेसिकली क्या होती है इट इज ऑफन डिजायरेबल टू एडजस्ट द पिकअप करंट टू एनी रिक्वायर्ड वैल्यू दिस इज नोन एज करंट सेटिंग ये बहुत ही सिंपल है ओके okay, तो ये जो करंट सेटिंग है इट इज ऑफन डिजायरेबल तो ये डिजायरेबल होता है टू एडजस्ट द पिकअप करंट टू एनी रिक्वायर्ड वैल्यू दिस इज नोन एज द करंट सेटिंग यानी कि हमारी जो सिस्टम है यानी कि रिले है ठीक है वो क्या करता है एडजस्ट होता है हमारी पिकअप करंट की वैल्यू पे ओके okay, किसी भी रिक्वायर्ड एनी रिक्वायर्ड वैल्यू पे जो है पिकअप करंट की वो जो है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं दैट इज नोन एज द करंट सेटिंग ओके करंट सेटिंग इज अचीव्ड बाय द यूज्ड ऑफ टैपिंग ऑन द रिले ऑपरेटिंग कॉइल तो जो रिले का ऑपरेटिंग कॉइल होता है रिले का ऑपरेटिंग कॉइल होता है ठीक है उसपे टैपिंग का यूज करके जो है हम ये करंट सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, ओके टैपिंग का यूज करके करंट सेटिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम करंट सेटिंग का एडजस्टमेंट ओके एंड आर ब्रॉट आउट टू ब्रिज ये जो टैप्स होते हैं बेसिकली ये दिज आर ब्रॉट आउट यहाँ पे

Uh, क्या करता है अल्टरेशन के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स के अल्टरेशन होते हैं ये करवाता है रिले कॉइल सॉरी तो इसकी वजह से जो है क्या क्या होता है जो टॉर्क होता है चेंज होता है ओके टॉर्क चेंज हो जा, जाता है इस वजह से एनहेंस ऑपरेशन ऑफ द रिले और जो है टॉर्क चेंज होने की वजह से टाइम जो होता है ऑपरेशन का तो जो टाइम होता है ऑपरेशन का वो भी चेंज हो जाता है ठीक है और पिकअप करंट की वैल्यू जो होती है उसका फॉर्म फॉर्मूला किस तरीके से होता है पिकअप करंट इज गिवन एज किस तरीके से दिया हुआ होता है पिकअप करंट इज इक्वल्स टू रेटेड सेकेंडरी ऑफ सीटी करंट ट्रांसफार इनटू करंट सेटिंग तो ये है हमारे पिकअप करंट का फॉर्मूला ठीक है और पिकअप करंट और रेटेड सेकेंडरी करंट सिटी की मदद से हम करंट सेटिंग भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम डेफिनेशन देख रहे हैं करंट सेटिंग की ठीक है करंट तो ट्रांसफार्मर का ठीक है सेकेंडरी की, की साइड में जो रेटेड करंट होता है हमारे करंट ट्रांसफार्मर की और उसके साथ साथ जो करंट सेटिंग की वैल्यू होती है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है हमारा पिकअप करंट ओके फॉर एग्जाम्पल सपोज करेंट रिलेट से फॉर एग्जाम्पल हम, ये, हम ले लेते हैं ठीक है over current relay. Over current relay, तो इसकी जो करंट की सेटिंग है दट इज करंट सेटिंग इज वन थर्टी परसेंट ओके एंड इज कनेक्टेड टू सप्लाई सर्किट थ्रू अ करंट ट्रांसफार्मर आर फोर हंड्रेड टू फोर हंड्रेड टू फाइव रिशोलू है ठीक है करंट ट्रांसफॉर्मर इट इज कनेक्टेड टू सप्लाई सर्किट थ्रू करंट ट्रांसफॉर्मर ऑफ फोर हंड्रेड टू फाइव ये जो है इसकी वैल्यू है, इस, है, है तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे फाइव इन टू ठीक है

पिकअप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं ओके okay. उसके बाद जो हमारी टर्मिनोलॉजी है दैट इज प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ठीक है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर किस तरीके से निकालेंगे इट इज द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट इन अ रिले कॉइल टू द पिकअप करंट ये बेसिकली एक फॉर्मूला है मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ओके okay. तो ये किसका रेशो है फॉल्ट करंट रेशो ऑफ फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल टू पिकअप करंट फॉल्ट करंट इन रिले फॉल्ट करंट जो है रिले में प्रेजेंट ठीक है उसके साथ जो है इसका रेशो है वो है पिकअप करंट के साथ ठीक है पिकअप करंट दिस इज द रेशो ऑफ करंट इन रिले कॉइल टू पिकअप करंट ओके ना फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल

रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सॉरी मैंने यहां पर मिस्टेकली गलत लिख लिया सेकेंडरी करंट ऑफ ये सेकेंडरी मैंने शॉर्टकट में लिखा है ठीक है ऑफ करंट सेटिंग इनटू करंट सेटिंग तो ये हो गया हमारे पिकअप करंट का फॉर्मूला ओके एंड देन फॉर एग्जांपल

फॉल्ट करंट कैसे निकालेंगे रिले कॉयल का किस तर, किस किस तरीके से निकालेंगे टू थाउजेंड इज इक्वल्स टू टू थाउजेंड इन टू फाइव फोर हंड्रेड ओके दैट विल बी ट्वेंटी फाइव एम्पियर ठीक है ये हमने निकाल लिया फॉल्ट करंट कैसे निकालेंगे जो प्राइमरी के प्राइमरी के साइड पे जो है प्राइमरी का फॉल्ट करंट है दैट इज टू थाउजेंड उसको हमने मल्टीप्लाई किया सेकेंडरी के करंट के साथ टू दी प्राइमरी करंट ओके अब दी करंट ट्रांसफार्मर तो इस इस तरीके से जो है हमने रिले कॉइल का बेसिकली फॉल्ट करंट निकाल लिया इस फॉर्मूले से उसके बाद हमें इस पीएसएम की वैल्यू निकालनी है यानी कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्योंकि हमारे पास अभी फॉल्ट करंट की इन द रिले कॉइल की भी वैल्यू आ गई है और ये वैल्यूज भी हमारे पास प्रेजेंट है करंट सेटिंग की ओके एंड देन जो है यानी कि पिकअप वैल्यू और ये जो है हमने निकाल ली थी ठीक है तो ये जो है हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो है अवेलेबल है उससे हम निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे पी एस एम ट्वेंटी फाइव यानी कि फॉल्ट तो करंट इन पिकअप वैल्यू का फॉर्मूला यही है हम रखेंगे ना नीचे ओके तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई पी की 300 uh, sorry, तो की थ्री हंड्रेड सॉरी थ्री पॉइंट एट फोर सिक्स हमारी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू इस तरीके से हम इन फॉर्मूलास का यूज करके जो है ये वैल्यूज निकाल सकते हैं इसके बाद की जो टर्मिनोलॉजी है हमारी दैट इज टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर सो रिले इज जनरलीथ कंट्रोल टू एडजस्ट देशन ठीक है इस तरीके से जो है प्रोवाइड किया जाता है कंट्रोल के साथ ठीक है कंट्रोल जो है हमारे सिस्टम में ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है रिले के सिस्टम में ठीक है जो कि एडजस्ट किया जा सकता है टाइम ऑपरेशन ठीक है टाइम ऑफ ऑपरेशन जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं सो दिस एडजस्टमेंट इज नोन एज द टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर तो जो कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है ओके okay,

ये जो फिगर है मल्टीप्लायर का ये यूज किया जाता है फॉर द टाइम डिराइड ओके टू कन्वर्ट दिराइड फ्रॉम दू दी एस एम ऑपरेटिंग टाइम सेटिंग इज जीरो क्या बोला है इन्होंने कि जो टाइम सेटिंग है सपोज वो है सपोज जीरो पॉइंट टू ओके एंड टाइम ऑप्टेन जो हुआ है ओके फ्रॉम टाइम पर पीएसएम कर्व ठीक है इस फोर सेकेंड देन एक्चुअल रिले ऑपरेटिंग टाइम विल बी देन एक्चुअल रिले ऑपरेटिंग टाइम जो होगा क्या वो क्या होगा पॉइंट टू ठीक है ये जो टाइम सेटिंग की वैल्यू है पॉइंट टू इनटू फोर सेकेंड कितनी हो गई वैल्यू पॉइंट इसके बाद ये जो टाइम मल्टीप्लायर है ये किस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है स्केल पे वो मैं आपको दिखाती ठीक है इस तरीके से एक सर्कल टाइप सेक्शन होता है ओके उसके बाद जो है इसकी जीरो की वैल्यू होती है और ये होती है वन तक की ठीक है जीरो टू वन जो है ये कैरी करता है उसके बाद इनके जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं और ये जीरो टू जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर एंड देन जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट एट की इसकी जो है रेट यानी कि इसकी जो है स्पेसिंग होती है ठीक है और ये है किसकी डायग्राम टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर की जो है ये डायग्राम है एंड देन नेक्स्ट ये जो है एक ग्राफ जो है टाइम पर पीएसएम कर्व ओके ये जो होता है ये स्टार्ट होता है जीरो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी इस तरीके से होता है ओके देन टू फोर सिक्स एट एंड टेन और ये होता है ऑपरेटिंग मैं यहाँ पे स्ट्रेट ही लिख लेती हूँ ऑपरेटिंग टाइम इन सेकंड्स ठीक है ये होगा ऑपरेटिंग टाइम इन सेकंड्स ऑन दी वाई एक्सिस ठीक है और ये एक्स एक्सिस है पी एस एम पी एस एम और ये फिगर किसका है टाइम पर पी एस एम का जो कि मैंने अभी आपको सॉरी जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है एक्सप्लेन किया ठीक है ये जो टाइम सेटिंग है इसकी वैल्यू पॉइंट टू यहाँ पे ली है और ये फोर सेकेंड और इन दोनों को जो है हमने मल्टीप्लाई किया है ओके एक्चुएटिंग एक्चुएटिंग रिले ऑपरेटिंग टाइम निकालने के लिए तो इससे जो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इनका डायल जो है जीरो टू वन पे होता है स्टेप्स क्या होती है जीरो पॉइंट जीरो फाइव की तो सारे डिस्क्रिप्शन से जो है ये डायग्राम आप इजीली समझ सकते हो ओके okay. मुझे ये जो ग्राफ है वो उतना भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ओके okay. तो ये हो गई हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज ठीक है. है तो कल इसके बाद की जो ट्यूटोरियल है उसमें हम देखेंगे प्रोटेक्टिव रिले ओके okay. उसके बारे में उसकी डीप स्टडी शुरू कर देंगे ओके उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में